हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जितने भी मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऑपरेट करते हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीसो, जियो मार्ट, ONDC, हर जगह पे ई-कॉमर्स सेलर्स इस समय परेशान हो रहे हैं। बड़ा अपडेट है, आपको इसी के अकॉर्डिंग में अपने बिजनेस का प्लान इस साल अभी करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि आपकी सेल्स अब बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत सारी स्टेट्स में आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि रिसेंट में हुआ क्या है कि IPC की धारा को हटा के जो नया एक्ट आया है उसमें हिट एंड रन का जो कानून है वो काफ़ी सख्त हो गया है। अब अगर कोई भी ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट करके भागता है स्पॉट से तो उस ड्राइवर पर 7 लाख रुपए की पेनाल्टी या 10 साल की सजा हो सकती है, जो कि पहले 2 साल हुआ करती थी। इसकी वजह से ट्रक यूनियन, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सब ऑल इंडिया स्ट्राइक पे चले गए हैं। वैसे ये रूल सबके लिए है, लेकिन जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, वो सारे लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जितने ड्राइवर्स हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। सब लोग रोड पे बैठे हुए हैं, किसी भी ट्रक को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि जगह जगह पे पेट्रोल डीजल खत्म हो जा रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। हाईवे पे चले जाएंगे आपको ट्रक की लंबी कतार देखने को मिल जाएगी। जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरीज होनी है सब एक जगह फंसी पड़ी हैं। जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे जो कोरियर से आ रहे होंगे वो भी रास्ते में ही पड़े हुए हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं इनके ट्रक खुद नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, इनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। जो ड्राइवर चलाना भी चाहता है एक तरीके से उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि अब जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे जो इंट्रा स्टेट विजिबिलिटी है उसको बूस्ट किया जा रहा है। मतलब जिस स्टेट में आपका आइटम रखा है उस स्टेट से अब आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दूसरे स्टेट्स में अब आपको बहुत कम ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिलीवरी टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। और जैसे ही डिलीवरी टाइम को बढ़ाया गया है वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कम हो चुकी है, क्योंकि ये सारे मार्केट प्लेसेस फास्ट डिलीवरी को प्रमोट करते हैं। इनकी एल्गोरिथम इस तरीके से चेंज कर दी गई है कि अगर आपके प्रोडक्ट में फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस आ रहा है तो उसकी विजिबिलिटी हाई होगी, नहीं आ रहा है तो लो होगी। अब ना चाहते हुए भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये मार्केट प्लेसेस पहुँचा नहीं पा रहे हैं टाइमली, जिसकी वजह से आपका आइटम FBA या FBF में होने की वजह से भी डिले हो सकता है। इसी वजह से आपके जो ओवरऑल सेल्स हैं वो अब इम्पैक्ट करने वाली हैं जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। क्योंकि IPC के इस पूरे कानून को हटा के ये जो कानून है ये ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिट करने के बाद रन नहीं करेंगे, मतलब भागेंगे नहीं, तो फिर पब्लिक ही हमको पीट के मार डालेगी। क्योंकि पब्लिक जिस समय एक्सीडेंट होता है वो पागल होकर ड्राइवर को ही टारगेट करती है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए तो भागेंगे ही भागेंगे। वैसे भी हमें जो सैलरी मिलती है वो 5-10-15 हज़ार रुपये मिलती है, उतने में हम घर ही चला पाएं अपना तो बड़ी बात है, हम 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और 10 साल अगर हम जेल में चले गए तो हमारे घर वालों को रोटी कौन खिलाएगा? एक तरीके से उनका भी कहना कुछ हद तक लाजमी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन की जो स्ट्राइक है इसमें आज ये हालत हो गई है कि जगह जगह शहरों में डीजल पेट्रोल खत्म हो चुके हैं, जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं, साथ ही साथ जो आपकी सप्लाईज हैं वो रुक जा रही हैं। तो अगर ये चलता ही रहा तो बहुत बुरी सिचुएशन आने वाली है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स, क्योंकि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट पे ही पूरा ई कॉमर्स का ऑपरेशन है, तो अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगा तो फिर आपका ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलेगा? इसीलिए जब तक इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बताया नहीं जाता है, कोई हल नहीं निकलता है, तब तक आपको अपना स्टॉक जो है उसी के हिसाब से रोटेट करना है। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं कर लेना है या बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लगा लेने हैं, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे भी तो बहुत लेट पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा आइटम्स को आपको FBA या FBF में शिप नहीं करना है, क्योंकि वहाँ भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। जितने भी लोग के पास मल्टीपल GSTs हैं उनके आइटम्स मल्टीपल स्टेट्स में रखे हुए हैं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं, उनको तो इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इस समय उनके आइटम की विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जितने भी सेलर्स 1-2 स्टेट से ऑपरेट करते हैं या इजी सिप या फ्लिपकार्ट के ई कार्ट से ऑपरेट करते हैं, अपने घर से ऑपरेट करते हैं,
एक FBA सेंटर से ऑपरेट करते हैं, FBA सेंटर से ऑपरेट करते हैं, उनको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो बाहर की स्टेट्स हैं, जो दूर की स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको इसी के हिसाब में प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2-3 दिन में इसका कोई हल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं निकालती है तो सिचुएशन बद से बदतर होने जा रही है, क्योंकि एक भी ट्रक को आने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब ना आइटम्स आपके पास आ पाएंगे, जो आप भेज भी चुके हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे तो कब पहुँचेंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए ये बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बहुत सारे सेलर्स आप में से कमेंट कर रहे थे कि उनकी सेल्स डाउन हो गई हैं। ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब आपका जो विजिबिलिटी है वो डाउन हो चुका है। आपके अपने स्टेट में अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा होगा तो मे बी आपको कुछ ऑर्डर्स मिल जाएं। बाहर की स्टेट से ऑर्डर तो आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ऑर्डर रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं। न्यू ईयर पे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें विचार तो कर ही रही है, देखना ये है कि वो क्या हल इसमें निकालती है, क्योंकि अगर वो आगे नहीं आती है तो ट्रक ड्राइवर्स पीछे जाने वाले नहीं हैं। काफ़ी हद तक इनका भी कहना एक एंगल तक सही है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, और आप में से कितने सेलर्स ऐसे हैं जिनकी सेल्स ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। देखा यही गया है कि जितने लोग इजी शिप से ऑपरेट करते हैं अमेजोन पे, जितने लोग फ्लिपकार्ट पे ई कार्ट से ऑपरेट करते हैं, अपने घर से ऑपरेट या ऑफिस से ऑपरेट करते हैं, FBF नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ जितने लोगों के पास 1-2 FBA सेंटर्स का ID है, GST है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि उनका आइटम UP के FC में रखा है और उनकी सेल्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र मींस मुंबई या कर्नाटक मींस बेंगलुरु में ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनका जो डिलीवरी टाइम है वो 2-3-4 दिन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आइटम पहुँच पाएगा भी कि नहीं पहुँच पाएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जो इंट्रा स्टेट डिलीवरीज हैं वो 1-2 दिन हो गई हैं, मतलब वो अभी चल रही हैं, इसीलिए सेम स्टेट में ऑर्डर मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो आपको इस सिचुएशन को मॉनिटर करना है, जब तक इसमें कोई डिसीजन नहीं निकल के आता है तब तक आपको ओवर स्टॉकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं कर देना है, नहीं वो रास्ते में ही रह जाएगा, उसका नुकसान भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।